ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकल्सन। जॉन निकल्सन 11 दिसंबर 1822 को डबलिन आयरलैंड में पैदा हुए। 9 साल की उम्र में उनके वालिद डॉक्टर अलेक्जेंडर जे निकल्सन इंतकाल कर गए। जॉन निकल्सन के मामू जेम्स हॉक कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी में बतौर वकील काम कर रहे थे और 1834 में जब वो वापस बरतानिया पहुंचे तो कंपनी के बड़े शेयर होल्डर बन चुके थे, जिसकी वजह से वो पहले डायरेक्टर और फिर दो बार चेयरमैन भी बनाए गए और बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन भी मुंतखब हुए। जॉन निकल्सन जब 16 साल की उम्र में भारत आए तो उन्हें बंगाल इन्फेंट्री में कैडेट भर्ती कर लिया गया। फौजी तरबियत मुकम्मल करते ही उन्हें 1840 में एंग्लो अफगान जंग में जलालाबाद भेज दिया गया, जहां अफगान बादशाह शाह शुजा के हरम की 600 औरतों को निकालते हुए निकल्सन दुश्मन फौज के नरगे में आ गए। बाद हजां एक मुआहदे की रूह से उनकी रिहाई मुमकिन हुई तो उन्हें पिशावर में ही तैनात कर दिया गया। कंपनी का यही फौजी अफसर बाद हजां सिखों के खिलाफ जंग में फैसलाकुन किरदार अदा करते हुए एक हीरो के तौर पर सामने आया। जब हजारा में बगावत हुई और अटक के किले पर सिख सरदार छत्तर सिंह के कब्जे की खबर निकल्सन को पिशावर में मिली तो उसने अटक किले का मुहासरा करके एक ही रात में कब्जा वागुजार करा लिया। फिर उसने बागियों का पीछा करते हुए रावलपिंडी का रुख किया। मारगला के दर्रे में जहां आजकल संगजानी वाके है, यहां 13 अगस्त 1848 को उसका मुकाबला बागियों से हुआ। सिखों की दूसरी लड़ाई जो 1848-49 में लड़ी गई थी, इसमें जिले के तमाम कबाइल ने दरबार साहब की हमायत में लड़ते हुए बरतानवी जनरल एबट को हजारा में शिकस्त दी। जनरल हर्बर्ट को अटक किले में कैद कर लिया गया। निकल्सन एक उड़ते हुए शिकारी की तरह जेहलम और रावलपिंडी में दाखिल हुए। करम खान गखड़ और वाह ने निकल्सन की हमायत में घोड़सवारों और पैदल जवानों की एक फौज तैयार की, जिसे मारगला के दर्रे पर लगा दिया गया। करम खान का बेटा हयात खान जंग खत्म होने तक निकल्सन के साथ रहा। जॉन निकल्सन पंजाब में अंग्रेजी अहद के बानियों में से थे। सिख हुकूमत के खात्मे में जॉन निकल्सन का नाम बार बार आता है। उन्हें जून 1848 में सिंध सागर दुआब में सिख गवर्नर की मदद के लिए भेजा गया, लेकिन उसने और जनरल एबट ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि सिख हुकूमत का खात्मा हो गया। जब उन्हें रावलपिंडी का डिप्टी कमिश्नर लगाया गया तो उन्होंने एक नामी ग्रामी बागी का सर काटकर अपनी मेज पर रख लिया। जो शख्स भी उनसे मिलने आता वो पूछता था कि ये कौन है। निकल्सन सिर्फ 9 माह रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर रहे, लेकिन यहाँ भी उन्होंने अपने मोहसिन हयात खान अफवाह को फरामोश नहीं किया, बल्कि उन्हें तालीम भी दिलवाई और फिर अपना करीबी मुंतजिम भी बना लिया। ये निकल्सन के औसाफ का ही कमाल था कि जिनसे उन्होंने इक्तदार छीना था वही सिख उन्हें निकल सिंह के नाम से, जब हिंदू उन्हें निकल्सन के नाम से पुकारने लग गए। तारीख हसन अब्दाल में लिखा है कि 1849 में एक हिंदू गौसाई ने इनकशाफ किया कि निकल्सन ब्रह्मा का अवतार है और फिर उन्होंने अपने नए देवता की पूजा का प्रचार शुरू कर दिया। शुरू में 5-6 गौसाइयों ने ये अकीदा अख्तियार कर लिया। जब निकल्सन को पता चला तो उन्होंने अपने पुजारियों को मार बकाया, जिसके बाद ये फिरका हरिपुर चला गया, जहां हर सुबह ये लोग अपने डिप्टी कमिश्नर हजारा एबट की रिहाशगाह के सामने चले जाते और अपने देवता की शान में भजन गाते। एबट लिखते हैं कि मेरी आखिरी इतला तक ये लोग न सिर्फ बाकायदा फिरके की शक्ल अख्तियार कर चुके थे बल्कि तादाद में बढ़ते चले जा रहे थे। बहुत से ऐसे सुरमाओं को देवता का मकाम हासिल हो चुका था जिनकी हैसियत निकल्सन के मुकाबले में मुश्तबे थी। एक अमर में निकल्सन दूसरे देवताओं से मुख्तलिफ था और अपने पुजारियों को उनकी अकायद की बुनियाद पर सजा दिया करता था। उनकी अकीदत का समर यह मिलता था कि निकल्सन उन्हें चाबक और कमचियों से मार कर कैद कर देते। वो ये सजाएं बर्दाश्त करते। निकल्सन उन्हें जितनी ज्यादा सजा देते वो उतनी ही ज्यादा उनकी तारीफों में भजन गाते। बाद हजां जब एक नौजवान इंजीनियर अलेक्जेंडर टेलर लाहौर से पिशावर तक जीटी रोड की तौसी का काम कर रहे थे तो एक रोज हसन अब्दाल में उनके बंगले में इस फिरके के लोग कतार बनाकर आ गए और मुअद्दबाना प्रणाम करते हुए उनके सामने आलती पालती मारकर बैठ गए। टेलर हैरान था कि ये क्या हो रहा है। उनकी तावील खामोशी ने उन्हें मुस्तरिब कर दिया। वो उन्हें हैरानी से घूरते रहे और उसे बगौर देखते रहे। बिलाखिर उनके गुरु ने ये लब कुशाई की कि हम निकल्सन के फकीर हैं। तुम गोरे साहब और निकल्सन वाली नस्ल से हो, इसलिए हम अपना हदिया अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए। एक मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद टेलर को पहली बार इस अकीदे का इल्म हुआ।
डोनाल्ड मैकनब जो पिशावर के कमिश्नर रहे थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन और निकलसन के मामू जेम्स हॉक के नाम खत में लिखा कि हजारा के निकलसनों को अपने देवता की मौत का इस कदर सदमा हुआ है कि वो सब ताजियत के लिए आए। इसमें से एक खड़ा होकर कहने लगा कि इस दुनिया में रहने का अब क्या फायदा जिसमें निकलसन ना हो। ये कहकर उसने अमदन अपना गला काट दिया और मर गया। दूसरा आगे बढ़ा और कहने लगा कि महात्मा की सेवा का ये कोई तरीका नहीं, हमें उसे देखने की अदना सी भी तवक्को है और अपनी जिंदगी में उसे खुश करना चाहते हैं तो हमें निकलसन के खुदा की इबादत का तरीका आना चाहिए। दूसरों ने इसकी तायीद की। फिर ये लोग पिशावर में मिशनरी के पास गए जिसने ये जानने के बाद कि ये हिंदुस्तान के आम फकीरों की तरह आभाष नहीं तो उनकी रहनुमाई का वादा कर लिया और उन्हें एक साल तक तालीम दी। मिशनरी ने इनमें से कुछ को बैप्टिस्मा दे दिया। 1857 में दिल्ली के मुहासरे के दौरान जब अंग्रेज फौजी शहर में दाखिल हुए तो कश्मीरी गेट दाखिल होते हुए 14 सितंबर को एक गोली ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन को लगी जिससे वो जख्मी हो गए। मोहम्मद हयात खान अफवाह जो उनके साथ थे उन्होंने निकलसन को मैदान जंग से निकाला और उनकी तीमारदारी करते रहे, मगर जख्मों की ताब न लाते हुए 23 सितंबर को अपने वक्त की ये करिश्माती शख्सियत इंतकाल कर गई, जहां कश्मीरी गेट के सामने ही उन्हें दफन कर दिया गया। मरते वक्त जॉन निकलसन ने दो नसीहतें की थी, एक ये कि आयरलैंड में उनकी माँ को उनकी मौत की खबर न दी जाए, दूसरा उन्होंने सर जॉन लॉरेंस से जो उस वक्त चीफ कमिश्नर थे सिफारिश की कि हयात खान का ख्याल रखा जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी के ये नौजवान ऑफिसर महज 35 बरस जिंदा रहे मगर आज भी उन्हें एक हीरो की हैसियत हासिल है। रावलपिंडी से टैक्सला जाते हुए जीटी रोड पर एक बुलंद मीनार नजर आता है, ये निकलसन माउंट है जो 1868 में तामीर किया गया था। जहां आज निकलसन माउंट है जहां पहले सिखों की एक फौजी चौकी थी, निकलसन ने इस चौकी में घुसकर सिखों को मारा था और बाद रवायतों के मुताबिक वो यहां जख्मी भी हुए थे, जिसकी याद में 1868 में निकलसन माउंट तामीर किया गया।